फ्रेंड्स, वेलकम इन ममता की थालिका। आज हम अपने किचन में ये कॉफी ब्रेड बनाएंगे बिना अंडे के। अंडे की कोई जरूरत नहीं है और बहुत आसानी से ये हम कॉफी ब्रेड बनाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी बनेगी, बहुत ही अच्छी बनेगी। तो फ्रेंड्स, जो पुराने फ्रेंड्स हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए फ्रेंड्स हैं वो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और जो उस शेयर लाइक करने के बाद एक छोटा सा घंटी का बटन है उसको जरूर दबाना, क्योंकि उसको दबाने से आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो फ्रेंड्स, देखते हैं ये कॉफी ब्रेड बनाने के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने ये ल्यूक वार्म वाटर लिया है और इसमें ये मेरी पूरी 1 टेबल स्पून शुगर है, तो मैं इसमें पहले शुगर मिक्स कर लेती हूँ। और ये मेरा ईस्ट है, 2 टीस्पून में ईस्ट इसमें, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको, इसमें मिक्स करके इसे कवर करके और मैं इसे वार्म प्लेस में रख दूंगी 15-20 मिनट के लिए। ये एकदम से फ्लफी हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। और इसका मैं एक चीज़ और बताती हूँ, यदि आपका ईस्ट फ्लफी नहीं होता है, राइस नहीं होता है, तो आप उस ईस्ट को फेंक दीजिए। तो चलिए, मैं इसमें शुगर मैंने मिक्स कर दी है, ईस्ट मिक्स करके इसे मैं हॉट प्लेस पर रख देती हूँ 15-20 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, इसके लिए हमें क्या चाहिए, देखिए ये मैंने 2 कप मैदा लिया है, इसमें सॉल्ट डाल लिया है। सारे इंग्रेडिएंट बहुत ध्यान से देखिएगा और फ्रेंड्स सारी वीडियो, पूरी वीडियो देखिएगा तो आपकी ब्रेड बहुत अच्छी, कॉफ़ी ब्रेड बहुत अच्छी बन के निकलेगी। स्किप नहीं कीजिएगा, स्किप करने से क्या होगा कि जो बीच बीच में स्टेप आते हैं वो मिस हो जाएंगे। ये 2 टेबल स्पून मैंने मिल्क पाउडर लिया है, कोई सा भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं, इसकी कोई वो नहीं है कि आप कौन सा लेना है। ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया, इसको मैं अभी 2 बार छान के लूँगी, लेकिन मैं पूरे इंग्रेडिएंट आपको बता देती हूँ। ये देखिए मैंने हॉट वाटर में 1 टीस्पून कॉफ़ी मिक्स करके रख ली है, ये देखिए कॉफ़ी तैयार है। और ये 1 टेबल स्पून मैंने शुगर ली है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये 1 टीस्पून मेरी शुगर है और ये मेरी कॉफ़ी तैयार है। और देखिए मैंने ये जो राइस करने रखा था, दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए कितना अच्छा राइस हुआ है, ये देखिए दिखाई दे रहा है आपको। ईस्ट यदि ऐसे राइस हो गया मीन्स आपकी ब्रेड बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि ईस्ट यदि मर गया तो आपकी ब्रेड अच्छी नहीं बनेगी। आपको ध्यान रखना है ल्यूक वार्म वाटर का मतलब, ल्यूक वार्म वाटर मतलब आपने यदि फिंगर टच की है तो वो आपको मतलब फिंगर पे गर्म नहीं लगना चाहिए। तो चलिए पहले मैं अब इसको छान लेती हूँ 2 बार और फिर मिलती हूँ आपसे। देखिए 2 टेबल स्पून के लगभग ये बटर है, ये बटर इसलिए यूज होगा कि हम एगलेस बनाएंगे और बहुत अच्छी ब्रेड बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये मैदा जो हमने छान के लिया है, मैदा, सॉल्ट, और ये देखिए अब इसमें मैं शुगर डाल रही हूँ और मिक्स कर रही हूँ और इसमें मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए इसका एरिएशन नहीं ख़त्म होना चाहिए जो हमने छान के लिया है, मतलब इसे आप ना तो थपकाएंगे, बहुत स्लोली स्लोली मिक्स करेंगे। तो देखिए अब मैं इसमें ये जो मैंने ईस्ट लिया है, ये सारा ईस्ट ले लेती हूँ, ये देखिए ईस्ट में इसमें सारा डाल देती हूँ। ये ऐसे आपको मिक्स करना है ऐसे धीरे धीरे। अब देखिए ये मैंने ईस्ट इसमें मिक्स कर लिया है, अब मैं इसमें ये धीरे धीरे, ये भी ल्यूक वार्म लेना है, कॉफी बना के आपको रख लेनी है, तो ये देखिए नहीं तो ईस्ट आपका मर जाएगा। तो ये देखिए इसको भी मैं धीरे धीरे मिक्स कर रही हूँ इसमें। देखिए जो मिल्क ब्रेड होती है, ये सॉरी कॉफ़ी ब्रेड होती है, ये आपको मार्केट में नहीं मिलेगी, ये आपको बनानी ही पड़ेगी। स्टार्ट, ये देखिए ये बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए लिक्विड। और चलिए ये बटर है मेरा, और अब चलते हैं हम एक स्टोन के टॉप पे, कोई भी जो आप आपके यहाँ पत्थर का टॉप हो आप उस पर ये काम कर सकते हैं। चलिए देखिए मैंने ये जो टॉप है बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया, पहले सर्फ से फिर वाटर से बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया। अब इस पे मैं ये डालती हूँ ब्रेड का, और ये देखिए बटर 1 टेबल स्पून से के लगभग बराबर है। तो अब इसे हमें ये देखिए इस तरह से तैयार करना है, नीट करना है। देखिए ये मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन ये इस तरह से हमें नीट करना है। ये देखिए ऐसे आपको नीट करना है, बटर डाल डाल के कम से कम 2 टेबल स्पून आपको बटर डालना है और ऐसे नीट करते जाना है, इसमें इलास्टिसिटी हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल ऐसे नीट करते जाना है,
और ये अपने आप बनके तैयार हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ कितना, कैसे बनके आप कैसे पहचान करेंगे कि ये बनके रेडी है। ये देखिए, ये बीट करते करते इस तरह से ही खट्टा हो गया है। अब हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से इसे नीट करना है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए कितनी अच्छी इलास्टिसिटी आ गई है। ये देखिए, वो नीट करते करते मैंने 10 मिनट नीट किया है और उससे देखिए कितनी अच्छी इलास्टिसिटी आ गई। देखिए फ्रेंड्स, ये देखने का बहुत अच्छा तरीका है, ये मैं आपको बता रही हूँ। आपको ऐसे करके देखना है मैदा को, स्ट्रेच करके। यदि ये बीच से फट नहीं रहा है, बीच से बिल्कुल फट नहीं रहा है, देखिए बिल्कुल अच्छा बना है, एकदम स्ट्रेच हो गया, एकदम रेडी है। कहीं से भी आप इसको देखिए, ये देखिए बीच में से बिल्कुल फट नहीं रहा है। मैं कितना भी पतला इसको कर दूंगी, ये बिल्कुल नहीं फट रहा है। तो यानी ये बिल्कुल तैयार है अब मेरा। ये देखिए कितना अच्छा बना है, कितनी अच्छी इलास्टिसिटी है। ये देखिए, दोबारा से दिखाती हूँ। ये देखिए, अब इसको मैं एक बोल में ऊपर से मक्खन लगा के, क्लिंग फिल लगा के रख देती हूँ कम से कम 2 आवर के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये कितना मेरा राइज हो चुका है फ्लोर। अब देखिए, ये देखिए एकदम राइज हो चुका है। ये देखिए, अब इसमें पंच मारना बहुत जरूरी है। तो ये देखिए, ये देखिए पूरा राइज हो चुका है। ये देखिए, इसको हम निकाल लेते हैं, इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरा इसको ऐसे रोलर पिन पे पूरा फैला लिया है। ये देखिए, अब क्या करना है, अब आपको इसको ऐसे करके फोल्ड करना है, लेकिन ध्यान रहे बिल्कुल इसको सील करना है। देखिए ऐसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल ऐसे सील करते जाना है। ये देखिए ऐसे बिल्कुल सील करना है, फिर इसे रोल करेंगे और फिर इसे सील करेंगे, ऐसे साइड से भी बिल्कुल सील करते जाएंगे और इसको भी सील करते जाएंगे। देखिए, अब इसको उठा के बिल्कुल ऐसे सील करेंगे। ये देखिए बिल्कुल सील हो रहा है, ये बिल्कुल सील हो जाना चाहिए। चलिए मैं पूरा सील करके मिलती हूँ आपसे। ये देखिए, मैंने बिल्कुल इसे अच्छे से सील कर लिया है, ये अच्छे से सील हो चुकी है। और अब हम इसको क्या करेंगे, ये मेरा टिन एकदम तैयार है, बेकिंग टिन, इसको मैं मैस में रख देती हूँ इसको, और इसको ऊपर से बटर लगा के कवर करके, और मैं इसे अच्छे से 1 घंटे के लिए, ये देखिए मैंने अच्छे से इसमें बटर लगा दिया है, और मैं इसको ऐसे बंद करके इसको रख देती हूँ करीब 1 घंटे के लिए, कि यह अच्छे से सील हो जाए, अच्छे से राइज हो जाएगी। अब चलिए इसको मैं रख देती हूँ। देखिए राइज हो चुका है पूरी तरह से, तो अभी हम इसको बटर वॉश कर देंगे ऐसे। और जैसा कि मैंने आपको बहुत बार बताया है, ये देखिए मैंने बटर वॉश कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको बहुत बार बताया है कि तिल सिसमे सीड बहुत अच्छे जाते हैं बेकिंग में, तो हम इसको स्प्रिंकल कर देंगे। और मैंने अपना OTG 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्री हीट कर लिया है, और मैं इसको 45 मिनट के लिए बेक करने के लिए रखती हूँ। ये देखिए मैं इसे 45 मिनट के लिए बेक करने के लिए, चलिए फिर मिलती हूँ। देखिए 45 मिनट हो चुके हैं, आइए हम अपनी ब्रेड को देखते हैं कैसे बनी है। केयरफुली निकालिएगा, ये देखिए हमारी कॉफी ब्रेड कितनी यम्मी बनी है, कितनी अच्छी फ्लफी, बहुत अच्छा एरोमा आ रहा है कॉफी का। तो चलिए मैं इसको निकाल लेती हूँ। स्टार्ट, देखिए हमारी ब्रेड कितनी अच्छी बनी है कॉफी ब्रेड। ये देखिए मैं आपको इसे कट करके भी दिखाती हूँ। हालांकि ब्रेड बनने के बाद में उसको थोड़ी देर रखने के बाद, गरम गरम कट नहीं करना चाहिए,
पर क्योंकि मुझे आपको दिखानी है इसलिए मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, वाह, ये देखिए, देख पा रहे हैं? देखिए कितने अच्छे उसके, ये देखिए कितनी सॉफ्ट, ये देखिए कितनी सॉफ्ट है, देखिए ऊपर से क्रिस्प है और कितने अच्छे इसमें एयर पॉकेट्स बने हैं। देखिए केक नहीं है, बिल्कुल ब्रेड है और कितने अच्छे, देखिए ये देखिए कितने अच्छे एयर पॉकेट बने हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए बहुत अच्छे, कितने अच्छे एयर पॉकेट बने हैं, देखिए देखिए फ्रेंड्स। तो देखिए मेरी ब्रेड, कॉफ़ी ब्रेड कितनी अच्छी बनी है। तो आप भी इस ब्रेड को बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए आपका ब्रेकफास्ट या किसी भी मील में, जिसमें भी आपको अच्छा लगे। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ फ्रेंड।